ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनम् मृत्योर्मुखीय मामृतात् ॐ नमः करने के शिवालय की सीरीज में आज हम आए हैं 12 महादेव मंदिर जो कि सूर सागर के पास स्थित है। चलो हम इस मंदिर के अंदर ले जाकर के आपको 12 महादेव शिवलिंग को दर्शन करवाते हैं। चले मेरे साथ शिव पहले के मंदिरों में हम चल रहे हैं। मैं हूँ चंद्रकांत व्यास अपने इस ब्लॉग के साथ बीकानेर के 8वें शिवालय मंदिर में हूँ। ये मंदिर है 12 महादेव नाम से प्रसिद्ध है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम ये ऊपर रखी गई है। आप देखिए कि पहले जो मंदिर है वो विश्वेश्वर है। विश्वेश्वर का माँ पार्वती और गणपति और उसके बाद शिव जी और देन नंदी महाराज उसके साथ है। आप इसके अलावा दूसरे अन्य 11 शिवलिंगों का भी दर्शन करेंगे मेरे साथ। अब आप दूसरा मंदिर देख रहे हैं मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन में आप देखेंगे गणेश की मूर्ति, उसके बाद शिवालय, शिवालय के बाद ये है नंदीश्वर। आप मेरे साथ मंदिर चलिए, मैं आपको अगले मंदिर में ले जा रहा हूँ महाकालेश्वर। महाकाल उज्जैन में स्थित है और इसके साथ भी यहाँ दर्शन करिए महाकालेश्वर के। महाकालेश्वर के शिवलिंग, शिव परिवार और नंदीश्वर महाराज साथ में है। फिर अगले चल रहे हैं ममलेश्वर। ममलेश्वर में महाराज गणपति और उसके पश्चात शिवालय, शिव की मूर्ति और नंदीश्वर साथ में है। अब अपने चल रहे धीरे धीरे आपने देखा होगा कि महादेव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। हर आदमी की इच्छा रहती है कि वो अपने जीवन में जो देश में पूरे में 12 जगह पर स्थित है, जो 12 शिव के अंग है वहां पर शिवालय 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। अब आप देखिए मंदिर बैद्यनाथ। बैद्यनाथ का अपना एक अलग महत्व है। ये झारखंड में है, शिव परिवार के साथ मेहता महादेव है और साथ में नंदीश्वर। अब अपने चल रहे हैं इसी क्रम में आगे छठे मंदिर में भीमाशंकर। भीमाशंकर में शिव पार्वती, गणपति महाराज और नंदीश्वर के साथ है। इसी क्रम में अपने चल रहे हैं शिव मंदिर की शिवालय सीरीज के अंदर श्री केदारनाथ। अब देखते हैं उत्तराखंड में केदारनाथ का एक अंग है जो ज्योतिर्लिंग के नाम से है। केदारनाथ की बात आप देखेंगे बाबा विश्वनाथ बनारस में है। मणिकर्णिक घाट के पास में श्री बाबा विश्वनाथ मंदिर है। हर एक व्यक्ति की जो श्रावण के अंदर पूजा करता है हमारे ज्योतिर्लिंग को दर्शन देने की इच्छा रखता है, महादेव का भक्त अधिकतर शिवलिंगों में ज्योतिर्लिंगों को दर्शन करने की कोशिश करता है। अब हम चल रहे हैं अगले मंदिर में नागेश्वर। नागेश्वर में आप आएंगे इस मंदिर की समस्त मूर्तियों के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गणपति, पार्वती और कार्तिकेय जी भी साथ में दिखाई दे रहे हैं और साथ में जो शिवलिंग है उसकी जलेबी चांदी से बनाई गई है और नंदीश्वर बाबा उसके साथ है। और अब अगला मंदिर जो चलेंगे वो है रामेश्वरम। रामेश्वरम आपको पता है केरला के अंतिम छोर पर भारत के जो राम ने जिस ईश्वर को उठाया है वो है रामेश्वरम। रामेश्वरम भी समुद्र के किनारे स्थित है और इस मंदिर की आप विशेषता देखेंगे तो ये मंदिर जो ओरिजिनल रामेश्वर की बात करो वो बहुत बड़े एरिया के अंदर है और उसके 52 जलपुरों से स्नान करके लोग रामेश्वरम की पूजा करते हैं। अब अपने चल रहे हैं त्रिंबकेश्वर। त्रिंबकेश्वर मंदिर जो है वो नासिक के अंदर है और यहाँ पर त्रिंबकेश्वर स्वरूप के अंदर
माँ पार्वती गणपति और महादेव बाबा और नंदी जी नंदीश्वर का फोटो भी है। एक मंदिर बताया है जो ओंकारेश्वर है। देख रहे हैं शिवलिंगों के बारे स्वरूपों को अलग से आपको दर्शन करवा रहे हैं। आप लगातार इस मंदिरों के दर्शन करके मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शिवालय शरीफ के साथ कसूर सागर में ही स्थित एक करणी माता मंदिर और जो भैरव जी का मंदिर है जो देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है उसके भी दर्शन आपको करवाए हैं। आप देखेंगे इस मंदिर में बहुत सही ग्रीनरी और जो पौधारोपण किया गया है बहुत ही सुंदर है और अप्रतिम है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। Thank you.
बोलो बॉस से बात करो। अरे ज्योतिर्लिंगों के अंतिम ज्योतिर्लिंग जो कि सोमनाथ महाराज सोमनाथ महादेव के नाम से है, जो कि कच्छ गुजरात में समुद्र के किनारे स्थित है। सोमनाथ महादेव का एक अपना बहुत महत्व है जो भारत के गुजरात के ही बॉर्डर पर समुद्र किनारे पर स्थित है। आप इसके मंदिर के दर्शन अवश्य करें और जो भारत ज्योतिर्लिंगों के दर्शन है मैंने आपको करवाए। आपको देख रहे हैं मंदिर की महत्वता है वो बहुत ज्यादा है। एकदम से ही आप देखें तो जो पुरातन में सूर सागर तालाब स्थित है जूनागढ़ किले के पास से सूर सागर तालाब के किनारे ये बारह ज्योतिर्लिंग स्थित है और आप इस मंदिर में अगर दर्शन करने आए तो अवश्य बधारे बीकानेर आए तो ये मंदिर एक पारंपरिक और रमणीय स्थल के पास स्थित है। जय शंकर जय महादेव। अगर मैं मंदिर के और किनारे पर जाऊँ तो बात एरिया है वो बहुत ही सौम्य और शांत वातावरण है। यहाँ पर हम आए हुए हैं तो मैं थोड़ी सी बात करता हूँ यहाँ पर बात करने वाले ये मंदिर आप लोग पूछते हैं या आप लोग ही पूछते हो आपके पैतृक रूप से आप सारे घर वाले आप भी पूछते हो या कोई और भी वाली आती है आपके ऊपर से भी सारे परिवार वाले पूछते हैं तो इसके कोई सरकारी सहायता मिलती है या नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। एक ही प्राइवेट संपत्ति की तरफ पूजा करते हैं तो कोई सरकार देवस्थान विभाग की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती। और यहाँ पर मंदिरों में दर्शनार्थी कितने का जाते हैं आप देखेंगे कि ये मंदिर सावन के अंदर तो ये कहते हैं कि थोड़ा ठीक से आ जाते हैं तत्पश्चात ज्यादा लोग नहीं आते हैं। मंदिर की केयर करना इनके प्रसन्न जिम्मेवारी बन जाती है। ये समस्त अपने स्वयं के स्रोतों से ही पैसे खर्च करके मंदिर की पूजा और अर्चना करते हैं। बारह महादेव की पूजा करना उनके प्रसाद लगाना उनकी आरती करना सब इनके परिवार वाले जन करते हैं। आपसे बात करें दो मिनट ये मंदिर आप स्वयं पूजते हैं और आपके पिताजी और भैया वगैरह पापा भैया वगैरह पूजते हैं और मंदिर में ज्यादा आय नहीं होती है तो मैं बीकानेर के लोगों से या बाहर के लोग जो ये मेरी वीडियो को शेयर कर रहे हैं देख रहे हैं निवेदन करता हूँ कि वो मंदिर एक बार दर्शन करने जरूर आए और इस मंदिर की महत्वता को समझे और बारह ज्योतिर्लिंग बीकानेर में एकमात्र मंदिर है जिसके आप दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर उसे बता रहे धन्यवाद आपको आप बुलाए गए हैं जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि राजाओं महाराजाओं द्वारा जो अपने इष्ट देव है करणी माता और लखासर भैरू जी उन दोनों इष्ट देवताओं के मंदिर निजी मंदिर में जाकर के अपने उनका स्वरूप यहाँ पर स्थापित किया है और लखासर भैरू जी जो कि एक डूंगरगढ़ तहसील के पास है और जहाँ पर राजपूतों का कुल भैरव माना जाता है और करणी माता इनकी कुल देवी मानी जाती है तो ये दोनों मंदिर इसीलिए बनाए गए हैं। बारह महादेव के साथ मंदिर बने हुए हैं। ये महाराजा गंगा सिंह जी ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया है। 1956 में ये मंदिर का निर्माण हुआ है। आप ये विहंगम दृश्य अगर आप गौर करें तो ये सूर सागर अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल था और जो महारानियों और महाराजाओं के स्नान का मुख्य केंद्र था और जूनागढ़ के एकदम पास में स्थित है ये मंदिर और आप इस मंदिरों में आए तो आप देखें इनके भक्त बहुत हैं। जूनागढ़ बीकानेर का अप्रतिम किला है जो कि महाराजाओं के पहले ऑफिशियल किले के रूप में ये किला माना जाता था और जो निजीवास का किला है वो लालगढ़ का किला है जहाँ पर महाराज परिवार निजी रूप से निवास करते थे।
मेरे साथ मेरे फोटोग्राफर अमन व्यास भैरवनाथ जी के दर्शन करते हुए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।